आज बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? मोदी सरकार। शाबाश बेटा। मोदी सरकार, देखो फिर गड़बड़ा रहा है मोदी सरकार। पिछली बार तुम शायद यही बताया था। तो फिलहाल फिर से मैं पहुंच चुका हूं सपही और जम्मू घाट के जो पुल है उसके पास में। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम इसमें से कुछ चेहरा पहचान रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में था नहीं था ना? ये सब था, ये था, ये था और ये था और एक ये था। और छोटका नहीं मिल रहा है, छोटा वाला वो कहाँ रहता है? तो उसको नहीं लाया? नहीं आया था, रो रहा था। रो रहा था? तो वो छोटा वाला बहुत अच्छा लड़का था लेकिन वो नहीं है। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो फिलहाल दूसरी जगह हम गए थे और फिर से हम इन लोगों से कहे थे कि संडे को आएंगे। और संडे को जब आएंगे तो इनके लिए हम कुछ सामान लेके आएंगे और इन लोगों को देने का काम करेंगे। देखिए अभी हम इसके लिए हम लेकर आ चुके हैं चिप्स और चॉकलेट भी लाए थे, लेकिन दूसरी जगह उन लोगों को इन लोगों की किस्मत में नहीं था। तो फिर नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आज ये करना है कि आज तुम लोग स्कूल गया था कि नहीं? हफ्ता हफ्ता में कितना दिन स्कूल गया है? आज गया। कौन कौन गया था? स्कूल गया था? आज तो संडे है, आज पढ़ाई था सरकार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उर्दू स्कूल है? उर्दू स्कूल है। कितने बजे स्कूल से आया? 3 बजे। 3 बजे आया। कौन स्कूल गया था? सरकारी। नाम क्या नाम? अच्छा स्कूल, सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ता है? इसमें हाथ उठा दो। ये विद्यापति का है। अच्छा आप तुम अपने स्कूल का नाम बताओ। नाम पता है स्कूल का? नाम पता है? नहीं। सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ता है? स्कूल का नाम याद है? तुमको पता है? इसको भी पता नहीं है। तो ये टीच तुम नहीं, तुम्हारा नहीं। ये गवर्नमेंट स्कूल जो बिहार गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये बच्चे सब पढ़ते हैं। तो टीचर के लिए जरूरी है कि स्कूल का जो नाम है वो बताए, पूछे। अगर नहीं पता है तो उनको जरूर बताए कि फलाना स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं और तुम लोग पढ़ रहे हो। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसमें पता उनको है, नहीं है। उधर भी गए थे किसी और जगह, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को स्कूल का पता नहीं है। ठीक है, तुमको भी पता नहीं है? तुमको कौन सा स्कूल पढ़ता है? इम्पैक्ट प्राइवेट वाले को तो कुछ हद तक पता रहता है कि हाँ फलाने स्कूल में पढ़ रहे, क्या उसका गौरव से सीना चौड़ा रहता है नर। तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। हम फलाना प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी वालों को जानकारी नहीं, इसका टीचर नहीं बता रहा है। अब स्कूल सीधे सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल सीधे घोष लगाए हुआ। कौन कौन क्लास में तू है? फोर में है। तुमको क्लास स्कूल का नाम नहीं मालूम? No! तुम कौन क्लास में? फोर। तू भी फोर में, लेकिन तुमको भी क्लास का मतलब स्कूल का नाम नहीं मालूम। चलो आज सवाल करेंगे, पहले भी किया था। बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? मोदी सरकार। शाबाश बेटा। मोदी सरकार, देखो फिर गड़बड़ा रहा है मोदी सरकार। पिछली बार तुम शायद यही बताया था, पिछली बार यही बताया था मोदी सरकार, ये बताया था ना? वो बोला बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी बोल, सही सही बोल। तो चॉकलेट जो सही बताएगा, दो चॉकलेट बचा हुआ है, इसमें से दो चॉकलेट बचा हुआ है उसी को मिलेगा जो सही बताएगा। चलो जल्दी बताओ मोदी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बताओ जो भी बताया, तुम बताओ। श्री नीतीश कुमार। तुम बताओ। श्री नीतीश कुमार। अच्छा तुम आओ, तुमको पता है बिहार का मुख्यमंत्री? तुमको पता है? अरे तुमको तो पता ही है। तुमको पता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तुमको पता है? नीतीश कुमार। तुम इधर इधर आ, भाग रहा है। तुमको पता है? सही। इसको नहीं, ये पिछली बार भी साथ गलत बताया था तो इसको हम बताए थे। कस के बोलो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। इधर आ, सब इधर आ, इधर आ। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है। सुनो तुम, सुनो इधर, खाली इधर वो घूमता है, हम सवाल जवाब करेंगे हर बार आएंगे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ठीक है। नाम क्या तुम्हारा? इरशाद। ऐसा काम करो कि हमको सबका नाम याद आ जाए, बार बार हम इतना बार आए कि सबका नाम हमको याद हो जाए। और जो जो पता नहीं वो तुम लोग पता करो, ठीक है। चलो प्रधानमंत्री कौन है देश का? नरेंद्र मोदी। खास के बोलो। नरेंद्र मोदी। तुम बताओ। प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री।
तुम बता। नरेंद्र मोदी। तुम बता। श्री नरेंद्र मोदी। तुम बता। प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री। अरे गड़बड़ा रहा है, इधर आ। अच्छा पहले तुम बता। नरेंद्र मोदी। हाँ तुम बता। श्री नरेंद्र मोदी। हाँ तुमको पता है, पढ़ता है तू, कहाँ पढ़ता है? हाँ सरकारी स्कूल में। इधर आ, इधर आ, तू भी इधर आ। पढ़ता है कौन सा स्कूल में? कहाँ? पचपाखड़ी। कौन सा स्कूल? बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का बिहार का मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। हाँ तो ये लगभग कुछ हद तक पता है, तुमको नहीं पता था? कौन नहीं बताया? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी का नाम सुना है ना, टीवी में मोबाइल में देखा होगा ना, मोदी मोदी मोदी, वही है प्रधानमंत्री देश का। और हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, किस राज्य में रह रहे हैं, पता है किसी को? बिहार राज्य। हाँ पास के बोलो। बिहार। हम लोग किस राज्य में रह रहे हैं? बिहार। हाँ अब बिहार राज्य के हम लोग अगर जिला की बात करते हैं तो कौन से जिला में हम लोग रह रहे हैं? मोतिहारी जिला। हाँ पूर्वी चंपारण भी बोल सकते हैं, नाम जो पूर्वी चंपारण ही है लेकिन मोतिहारी भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ तो पूर्वी चंपारण भी, तो हम लोग किस जिला में रह रहे हैं? मोतिहारी जिला। हाँ तो ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, किस जिला में हम लोग रह रहे हैं? जिला बताओ। मोतिहारी। तुमको कुछ पता नहीं है? इसको कुछ पता नहीं है। तो पता कब? तो मोतिहारी जिला में रह रहा है, ठीक है। और थाना कौन सा थाना है? थाना ढाका नहीं होगा, ये पचपाखड़ी थाना है। तो थाना भी पता सबको रहनी चाहिए, पचपाखड़ी है तो पचपाखड़ी। ढाका, ढाका तुम नेपाल, नेपाल का है, नेपाल का है तो तुम्हारा गौर है। हाँ तो ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस थाना में रह रहे हो उस थाना का, किस प्रखंड में रह रहे हो प्रखंड का, किस ब्लॉक में रह रहे हो उस ब्लॉक का, तुम्हारे आसपास में कौन कौन सा बड़ा सिटी या शहर है, जिससे तुम्हारे आसपास में इधर ढाका हो गया, इधर पचपाखड़ी हो गया, फिर उसके बाद मोतिहारी हो गया, फिर उसका आगे, मतलब ये सब सबको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो लगभग सब ने सही सही मतलब उत्तर देने का काम किया कुछ हद तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम वितरण करते हैं। कौन बताया था सबसे पहले? मुख्यमंत्री का नाम बताया था, ये बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बताया था, मतलब सबसे पहले ये बताया था, और एक ये सही बताया था मुख्यमंत्री का नाम, तो ये दोनों को मिला है। बाकी प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो सब लगभग बता ही दिया है, तो इसमें से सबको मिलेगा। तो इसमें से चलो शरारत भी नहीं करना है, तो ये सब है जो कि कुछ सवाल जवाब किए सबसे, उसके बाद से इसी तरीके से कुछ बच्चे के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश हमारी है। ये है एक प्राइवेट में पढ़ता है, ये अपने आप को गर्व महसूस करता है, कहते प्राइवेट में जो पढ़ता है अपने आप को सीना थोड़ा चौड़ा कर लेता है, तो ये विद्यापति में पढ़ता है, ये भी विद्यापति में पढ़ता है, तो थोड़ा ये भी मतलब सही बताया है। बाकी काउंटिंग वगैरह जो है टेबल वगैरह सबको आता है? कितना का टेबल आता है तुमको? कितना का टेबल आता है? जितना का था वही सुना। 5 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
तरीके से। और किसको टेबल याद है? कितना याद है? इधर भागता का तू, इधर इसको देख, जाके दुकान में बेच देगा। तेरे दुकान है क्या? अब इधर आ, याद है कितना का याद है? ना याद है। किनको याद है? कितना का याद है टेबल? हाँ सुना, जो याद हो। चलो तुम एक और, तुम चॉकलेट लिया है, तुम एक ये लो, ये टेबल का हिसाब है। अरे तू आ ना, तू ही भागते, तेरा नमो बुलाया। क्या नाम है? राजिक। इसका नाम है राजिक, बोलो कस के। राजिक, राजिक। चलो टेबल सुना। 12 12 24 25 12 25 24 25 26 26 28 28 120 एकदम फास्ट सुना रहा। चल फटा हुआ तुम लोग खाने के लिए है। और कोई 5 5 12 12 24 18 24 26 26 26 27 42 48 49 54 62 60। तो लगभग थोड़ा बहुत टेबल सबको, इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है, इधर आ जाओ।
तो हम अभी जमुआ घाट पे जो जमुआ पुल के नाम से जाना जाता है और ये सब ही इधर साइड में पड़ता है, एक तरफ बरगिनिया साइड में पड़ जाएगा। तो फिलहाल हम बच्चे से इसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत सवाल जवाब करते हैं और जो सवाल का जवाब सही देता है उसको हम डबल देते हैं और जो एक जो नहीं दे पाता थोड़ा बहुत जो एवरेज में रहता है उसको कम से कम तो एक मिल ही जाता। तुमको मिला है, तुम कुछ ना एक्स्ट्रा 15 का 35 15 45 55 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
तो इस समय एक दो जा रहा है और तुमको याद है कितना तक याद है तुमको याद है कितना सुना सत्या सात सात दुनिया आठ चार का सुना रहा है अच्छा चल चार को और इसके आगे कुछ याद है एबीसीडी सुना एबीसीडी कौखा का याद है एबीसीडी एबीसीडी याद नहीं है तो ये कैसे याद हो गया टेबल कैसे याद होगा चार सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चलो एक तुम लो एबीसीडी मतलब इसको भी याद है तो कितने लोगों को एबीसीडी याद है हाथ का सब इधर आ कितने लोगों को एबीसीडी याद है उधर घूमो सब चलो सब इधर सामने आ कितने लोगों को एबीसीडी याद है मतलब सबको याद है क ख ग कितने को याद है ऐसे हाथ घरा के याद भी है अगली बार सुनेंगे ठीक है तो कितना होता है? उसके बाद से जितने लोगों को पता नहीं है स्कूल में जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है स्कूल में जाना अपने सर से या मैडम से पूछना ठीक है अपने सर से मैडम से पूछ कर आना अगली बार कि हमारे स्कूल का नाम क्या है हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं ठीक है याद रहेगा ना यार तुमको भी कह रहे हैं अगली बार पूछ कर आना ठीक है तो चलो सभी लोग इधर आओ साथ में और सभी लोग फिर से और फिर मिलेंगे।